साथ ही साथ ये पद के रूप से मूल्यवासियों को पद दिए गए हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में शहरी की भर्ती निकाली गई है 226 और उसमें भी इतनी सदा या कई 226 भर्तियाँ निकाली गई हैं। छोटा सिविल बेरोजगार के साथ मजाक है और इसमें मैंने सब कुछ लिखा है सर। हम लोग मंत्रालय भी गए, वहाँ भी धरना किए, उठा के बंद कर दिए ले गए। 10 बजे तक वापस बैठा रहे बेरोजगार। सीएम साहब से मिलने का प्रयास किए, बोले नहीं मिल सकते। गृहमंत्री जी से बोले, गृहमंत्री जी बोले कि बस हम जा रहे हैं 10 मिनट में मंत्रालय में जाके कुछ ना कुछ। आप लोग 8-10 दिन पहले भी मिले थे ना। हाँ, 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 हमने आपके लिए पत्र बनाया है सीएम साहब को और उसमें लिखा है कि तुम बेटा वीडियो मत बनाओ। आप लोगों की वीडियो मत नमस्कार। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और विशेष तौर पर कोरोना के समय तो जिनको नौकरी मिली हुई थी वो भी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। मैंने मेरे कार्यकाल में मध्य प्रदेश के निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष तौर पर मदद करने के लिए ये नियम बनाया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा जिसने मध्य प्रदेश से पास की हो उसी को ही हम शासकीय नौकरियों में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन्होंने इस नियम को हटा दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आज भी वो नियम लागू है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि वे मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष तौर पर इस बात का फिर से निर्णय लें कि केवल मध्य प्रदेश में रहने वाले और जिन्होंने यहाँ से 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है उन्हीं को ही पात्रता हो। ये मेरी आपसे मांग है, अन्यथा मैं इन लोगों के साथ जुड़कर जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से बहुत बार आप लोगों ने कई बार अखबारों में, टीवी में, लोकल मीडिया में कुछ कहीं कहीं देखा होगा, हम ही वही लोग हैं जो मंत्रालय से खदेड़े गए। हम वही लोग हैं, ये वही महिलाएं हैं जिनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गाली गलौज भी किया। सिर्फ गलती हमारी ये थी कि हमने रोजगार मांगा, गलती हमारी ये थी कि हमने कहा कि मूल निवासियों को प्राथमिकता दीजिए, गलती हमारी ये थी कि हमने ये कहा कि जिनसे वोट लेते हैं उनके साथ न्याय कीजिए, गलती हमारी ये थी कि हमारा आज 50 लाख युवा 60 लाख होता जा रहा है हमें रोजगार दीजिए, गलती हमारी ये थी कि हमारे भाई कितने लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, आत्महत्या जैसी अवसाद मानसिक अवसाद में जा रहे हैं, हमने उनकी लड़ाई की, गलती हमारी ये थी। आप बार बार बस कहते हैं भांजे भांजी भांजे भांजी। मैं पक चुका हूं ऐसे भांजे भांजी से। मैं भांजा दिनेश चौहान, आप शिवराज सिंह चौहान मानी शिवराज सिंह, मैं भांजा दिनेश चौहान, मैं आपसे अपील करता हूं पुलिस भर्ती की अधिसूचना तुरंत जारी करिए, उसमें मूल निवासियों की प्राथमिकता दीजिए। पहले भी तो मूल निवासियों के लिए प्राथमिकता थी, पहले भी तो उनको 10वीं 12वीं एवं जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो उन्हीं को प्राथमिकता मिलती थी, फिर आज ऐसे बंदरबाट कैसे हो गया? बेरोजगार युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक आज जब 40 लाख बेरोजगार है युवा तो आप 226 प्रहरी की भर्ती देते हैं। वर्तमान में प्रदेश में आपको पता है 230 तो क्या है विधायक है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए कि 23,000 से ज्यादा तो सरपंच है यहाँ पर। फिर कैसा मजाक है, 226 भर्ती देते हैं, 226 भर्ती देने के बाद क्या करते हैं आप उसमें बंदरवाट पूरे राज्य को करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप या कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन जरिए पैसा भरना चाहते हैं या कि फिर बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, हर कोई भी पार्टी हो जो युवाओं के साथ खड़ी है हम उसके साथ खड़े हैं। खड़े हो कि नहीं खड़े हो? जो खड़ी है हम उसके साथ खड़े हैं और कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आज अगर आप भर्ती देते हैं, अधिसूचना जारी करते हैं तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अन्यथा ये पूरा का पूरा बेरोजगार युवा चाहे वो चुनाव का बहिष्कार हो चाहे जो भी हो, क्योंकि मरता क्या ना करता। सिंपल सी बात इतनी है कि जब 40 लाख युवा जब सड़कों पर आएगा तो उसको संभालेगा कौन? उसको संभालेगा कौन? आप बार बार बात करते गरीब किसान की, पढ़ा लिखा युवा ही तो गरीब किसान है, वो भी तो एक पढ़ा लिखा किसान है जिसके घर में नहीं है कुछ। पुलिस भर्ती की तैयारी कौन करता है? कांस्टेबल की कोई मिनिस्टर का लड़का करता है? पुलिस भर्ती की तैयारी आप में घर का कोई व्यक्ति करता है? पुलिस भर्ती की तैयारी मजदूर किसान का व्यक्ति करता है? और अगर उसको भर्ती नहीं दे पा रहे आप तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग 37 साल हो चुके हैं, 35 साल उम्र पास हो चुके हैं, 2017 से भर्ती नहीं आई है, आप भी अच्छे से पता है। और मैं सबको याद दिला देना चाहता हूं, हमारे मामा जी ने मुझे सिखाया है, मैं एक दिन पढ़ा था, जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये मामा जी ने कहा था। और मामा जी आज कैसे हो गए? आपने कहा था कि बेरोजगार युवा किसी भी प्रदेश का बहुत बड़ा आधारशिला होता है और उसको बायकॉट करने का मतलब है कि राज्य खतरे में हो गया। तो आज क्या हो रहा है? आज आप 62 साल के व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो पुलिस की नौकरी करें, उनको और उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किस बात को? आप कहते हैं प्रदेश सुरक्षित रहेगा, आपको लगता है कि 65 साल का 62 साल का कोई व्यक्ति प्रदेश को सुरक्षित रख सकता है?
आपको पता कि 50 साल के ऊपर के बाद अभी सीआरबीसी की रिपोर्ट आई है, पूरा आप दिखा लीजिए इंडियन हेल्थ नेशन में, उसमें सीधा लिखा है कि जो तो वर्तमान पुलिस कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, 95% लोग बीमार हैं। किससे? कोई किसी को बीपी है, किसी कुछ है, और आप उनसे सोचते हैं कि राज्य की सुरक्षा हो पाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको एक्सटेंशन देते रहे और बेरोजगारी हुआ आत्महत्या करता रहे। मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूं, हम जब गए गृह मंत्री जी के पास, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है, मैं चाहे तो वीडियो शेयर कर दूंगा, जिन्होंने कहा था गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पास जा करके इस बेरोजगारी बने चरण छुए। एक बात ध्यान रखिए, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके कदम छू लेना, इसका मतलब उसने अपनी सारी मान मर्यादा आपके चरणों में रख दी, लेकिन आपने उसकी नहीं सुनी, आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी इस चीज की कि ये व्यक्ति इतने दूर इतने तड़प रहे, रो रहे। ये लड़की ये दमोह से आई है, ये देखिए रायसेन से लड़की आई है, ये कहां से बेटा? ये बालाघाट से आई है, ये ग्वालियर से आए, कुछ मुरैना से, कोई टीकमगढ़ से, कोई चंबल से, कहां से आया पर भैया? आज भोपाल में यहाँ पर आप हम खड़े हैं साहब, ये बताइए आज लॉकडाउन में जब साधन नहीं चल रहा, हम किस प्रकार से अपनी खर्चों को, कोई आटा की बोरी बेच करके, कोई गेहूं की बोरी बेच करके आया है कि चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनेगा? और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमें युवाओं के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे पास सारी बूढ़ी वीडियोज हैं, आपके सीएम पर्सनल सेक्रेटरी जो है मुख्यमंत्री साहब के, हम उनसे भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। साहब आपको ही मैं पूछना चाह रहा हूं, कहां गए आप? आपने कहा था तुरंत कार्रवाई की जाएगी, वो कम से कम कितने दिन हो गए? हम क्या करें, हम किसके दरवाजा खटखटाएं, किसके पास जाएं और बोले कि हमें रोजगार दो? और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो वो बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम युवा चला लेंगे सिस्टम को, वो भी बता दीजिए कि तुम क्या चला सकते हो, बिल्कुल चला लेंगे। दूसरी चीज, आप कहते हो कोरोना महामारी में अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है? आज देखिए वहां पर भर्ती सब 7,000-8,000 एसआई की भर्ती है। क्या दिल्ली पुलिस में, क्या दिल्ली में पैसे कमी है? क्या कोरोना नहीं है वहां पर? वहां भी आपने देखेंगे एसआई कांस्टेबल की भर्ती है, महाराष्ट्र में भर्ती है, हर जगह भर्ती है, और अभी आप देख लीजिए कई सारी वेबसाइट को उठा देखिए, हर जगह भर्ती आ रही है। तो क्या मध्यप्रदेश में भर्ती नहीं आ सकती साहब? जबकि मध्यप्रदेश में 3 साल से घोषित रोक लगी हुई है, तो इसको करिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास सिस्टम ऐसा कुछ है, तो मैं चैलेंज करता हूं सरकार को और सबको कि एक डिबेट करा के दिखा लें, हम युवा एक तरफ, बाकी आपके रिसर्चर एक तरफ। और रहा सवाल इस चीज का, जितना भी आप लोग एक्सपेंशन चीजों करते हैं साहब, मैं आपको बता देता हूँ एक बेरोजगार के साथ क्या दिक्कत होती है। एक कानून अभी है जिन्होंने अभी एक लेटेस्ट लेकर के क्या पता नहीं क्या किए हैं कि कोई भी कांस्टेबल बनेगा तो उसको पहले साल 70% मिलेगी सैलरी, अगले साल 80%, फिर ऐसे करके सैलरी मिलेगी। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है हमें कम से कम अपर ग्रेड पर कम कर सकते हैं लेकिन लोअर ग्रेड पर नहीं कम कर सकते? साहब एक कांस्टेबल सैलरी कितनी होती है? 19,700। अगर उसको 70% मिलेगा साहब 12,000-13,000 मिलेगा, और उससे हम कहेंगे तू ईमानदारी पूर्वक देशभक्ति जनसेवा करो, संभव ही नहीं सर। बेरोजगारी युवा संघ जिंदाबाद। दूसरा कौन बोलेगा?